हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। वेलकम बैक टू माई चैनल द मोटो वेलोसिटी। और आज मैं पहुंच चुका हूं सिलिसर लेक पे। तो यहाँ पे आने के लिए क्या इटनरी होगा, अगर आप दिल्ली एनसीआर से आ रहे हो क्या चाहिए, कौन सा रास्ता लेना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को और अपने जर्नी को घर से लेके यहाँ तक। चले शुरू करें फिर। आराम से चलाया करो यार गाड़ी। बॉम्बे एक्सप्रेसवे में भी आ रहे हो ना तो क्रूज पे डालने के बाद भी थोड़ा कॉशियसली चलाया करो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत फेटल हो जाता है एक टाइम के बाद। बाकी हम पहुंचने वाले अपने डेस्टिनेशन पे जो अलवर है, यहाँ से अराउंड 70-80 किलोमीटर और रह गया। चलो मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ के नज़ारे। तो यार चलाते चलाते बहुत ज़्यादा थक गया था, तो सोचा कि थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ, थोड़ा यार हाईवे के मज़े ले लेता हूँ। बाकी बहुत ही अमेजिंग रास्ता है। आप लोगों ने कभी यहाँ पे अगर आए नहीं हो तो ज़रूर आओ। यहाँ का ड्राइव बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन हाँ आराम से आओ। फ़िलहाल यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, देख रहे हो, एकदम हरियाली, ग्रीनरी ऑल अराउंड। और हम उस ग्रीनरी के पीछे और जाएंगे टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। चलो कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को। तो यहाँ से हम अब ले रहे हैं लेफ़्ट वाला कट। स्ट्रेट अगर आप जाओगे तो वो आपको अलवर शहर के अंदर ले जाएगा। और लेफ़्ट कट लेते ही नज़ारे देखो यार, मतलब मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ऐसी जगह हो सकती है। थैंक्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु गेव मी द रिकमेंडेशन टू कम टू दिस प्लेस। सिलिसर लेक इज़ एन अमेजिंग प्लेस, उन्होंने मुझे कहा था। और मेरे को उसकी झलकियाँ ऑलरेडी दिख रही हैं सामने, देख रहे हो पहाड़। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स यार, ऐसा व्यू मैंने तो इमेजिन किया नहीं था। एंड होपफुली ये व्यू और इन्हांस होगा जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं। और होपफुली आप लोग को भी अच्छा लग रहा है। और आई एम रियली मच मेस्मराइज्ड। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पे मैं रुका ताकि मैं आप लोगों को वो व्यू दिखा सकूँ जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। देखना चाहोगे? चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ से व्यू। अलग ही टाइप के यार पहाड़ है यहाँ पे, कटे कटे छोटे छोटे पहाड़। ये वाला देखो, ये लैंडस्केप देखो, मतलब ये सारे नज़ारे ना आपको राजस्थान में ही दिखेंगे। क्यों? कमेंट करके बताओ अगर ऐसे पहाड़ कहीं और भी दिखते हैं अपार्ट फ्रॉम केरला। लेकिन हाँ, केरला तो गया नहीं ना, पास में राजस्थान ही है, तो मैं राजस्थान ही दिखा सकता हूँ आप लोगों को फिलहाल। नाइस लैंडस्केप यार, सीरियसली कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ये लैंडस्केप। बाकी जो डेस्टिनेशन पे हम पहुँचने वाले हैं वो तो आपको ज़रूर अच्छा लगने वाला है। तो यार अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको पर बंदा 200 रुपये एंट्री फीस देना पड़ेगा और वो टिकट जो आपको मिलेगा, आपको इस टाइप का एक टिकट मिलेगा। इससे आप ऊपर जाके या तो दो कोल्ड ड्रिंक या तो दो चाय या तो दो कॉफी ले सकते हो। मतलब एक टिकट के लिए एक चाय या तो एक कोल्ड ड्रिंक या तो एक कॉफी। ये यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ से आप टिकट करा के उसके बाद यहाँ से आप अपने को ऊपर जाना है और ऊपर जाके अपन देखते हैं, अपन दो बंदे हैं तो कॉफी ले लेंगे या चाय ले लेंगे या कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं नज़ारे। चलो चलते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं, वी आर देयर, सिलिसर लेक पे। और यहाँ पे आने के बाद जो आपको वो पीस मिलता है ना, इनर पीस, अलग ही है। ये सामने ये गेट है, इसके अंदर हमें जाना है और मेन चीज़ इसके अंदर ही है। तो हम गेट के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि क्या प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ है यार। हैट्स ऑफ टू द राजस्थान टूरिज्म, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। क्लेनलीनेस नेक्स्ट लेवल, ग्रीनरी नेक्स्ट लेवल, नज़ारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। ये लेक है या समंदर है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको लेक बोल क्यों रहे हो आप, इसको समंदर ही घोषित कर दो यार। मैं तो कंफर्टेबल हूँ इसको समंदर घोषित करने में, आई एम देयर विथ यू। लेकिन ऑन अ वेरी गुड नोट, ये प्लेस बहुत ही अमेजिंग है, एक बार आना तो बनता है। सामने व्यू देख रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा कि आप बाली वाली साइड पे आ गए हो या फिर कहीं आउट ऑफ इंडिया आ गए हो। यार सामने जो पहाड़ है इतना सूदिंग फीलिंग दे रहा है ना आपको, इसको देख के आप आराम से यहाँ पे बेंचेस भी बने हुए हैं, यहाँ पे शेड्स भी बने हुए हैं। मेरा बस चले अगर इतनी गर्मी नहीं होती ना, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है आज के डेट में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं पूरा भीग चुका हूँ ऊपर से नीचे तक और 5 मिनट हुए नहीं है मेरे को गाड़ी से उतरे हुए। और सामने का जो ये पहाड़ है ना, इसको देख के तो सीरियसली अलग ही फील आ रही है। इन्जॉय करो नज़ारों को। और इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे एक फोर्ट पे। फोर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 500 मीटर के दूरी पे ही है, आगे की साइड जाना है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से मैंने सुना है कि अलग नज़ारे दिखते हैं। खैर फोर्ट में जाने के बाद जो नज़ारे हैं वो तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ का जो 360 डिग्री व्यू है ना, वो एंजॉय करो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को ये नज़ारे दिखाऊँ मैं अपने चैनल के थ्रू। ये देखो, तो जी पहुंच गए। अब हम फोर्ट पे, गाड़ी जो है अब हमने वहाँ पे लगा दी है। और ये जो है, ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ नहीं है, हाँ ये सीढ़ियाँ ऊपर फोर्ट तक ले जाती हैं। रेस्टोरेंट और रिसेप्शन दिख गया, वहाँ पे जाके हमें अपना टिकट जो है वो इनकैश करवाना है। यार कोल्ड ड्रिंक या चाय या कॉफ़ी तो बनता है ना लेकिन ये नज़ारे तो सीरियसली और इन्हांस हो रहे हैं जैसे ही हम इन सीढ़ियों के ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नीचे जो सामने साइड पे ये आपका रिसेप्शन और वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी चलेंगे। लेकिन इसके पहले एक बार ऊपर चल के देखते हैं कि वहाँ क्या है। ऐसा लग रहा है कि इसको रिवैम्प कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं फोर्ट को। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट सीम्स कि ये शायद इस फोर्ट को ये होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद, हाँ ये जो फोर्ट है ना, ये बेसिकली ये होटल पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ दिनों के बाद आके यहाँ पे रूम्स भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है, छोटा सा ही फोर्ट है, लेकिन हाँ प्यारा है। तो अब हम आ गए नीचे जो अपना रिसेप्शन और रेस्टोरेंट है, जहाँ पे सारी जनता है बेसिकली। तो ये है बेसिकली जो आपका रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको अपना जो टिकट है वो इनकैश कराना है फॉर फूड। ये नज़ारे तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक वो सामने वाला, ये अपना रेस्टोरेंट हो गया वो सामने वाला पॉइंट, और यहाँ पे ये जो दूसरा पॉइंट है। तो अभी हम इस वाले पॉइंट पे जाते हैं। वहाँ पे जो वो फुटपाथ था, वहाँ पे बंदे ने कहा था फोर्ट से अलग नज़ारे दिखते हैं, और सीरियसली यहाँ पे नज़ारे सच में अलग है जो आप देख ही सकते हो। मैं बाकी वहाँ पे जाके आपको नज़ारे दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कपल्स हैं, वो अपना मी टाइम चाहिए उनको, तो उनको बिना डिस्टर्ब करते हुए वहाँ चलते हैं और वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारे। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है क्रोकोडाइल पॉइंट। हाँ आपने सही सुना, उस पॉइंट का नाम है क्रोकोडाइल पॉइंट। वहाँ पे लोगों ने कहा है कि इतने क्रोकोडाइल्स मिलते हैं कि आप गिन नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा क्रोकोडाइल्स हैं। मोस्टली सर्दियों के टाइम पे वो बाहर आते हैं, गर्मियों के टाइम पे वो बेसिकली ये आपका जो ओशन टाइप का लेक है यहाँ पे नीचे चिल मारते हैं, क्योंकि वो आप और हमारी तरह गर्मी में बाहर आके करेंगे क्या, क्यों सड़ेंगे वो गर्मियों में, तो वो अभी नीचे चिल मारते हैं। तो चलो चलते हैं, होपफुली अगर कोई क्रोकोडाइल दिखता है तो आपको दिखाता हूँ। बाकी आपने नज़ारे तो देखे हैं यहाँ के, अगर आपको पसंद आया ये नज़ारा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और डू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो चलते हैं। नज़ारे देख रहे हो यार, मतलब हर बेंड पे ना यहाँ पे अलग लेवल के नज़ारे हैं। पहाड़ वही है लेकिन अलग अलग एंगल से आपको वो सेम पहाड़ दिख रहा है ना, तो अलग अलग टाइप के व्यू पॉइंट्स आपको मतलब आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। बाकी ज़्यादा दूर है नहीं क्रोकोडाइल पॉइंट यहाँ से, ज़्यादा मतलब 1 आधी किलोमीटर ही होगा, ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए। चलो वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ आपको। तो यार पहुंच गए हैं हम क्रोकोडाइल पॉइंट पे। ये थोड़ा मतलब ऐसे कच्चा सा रास्ता है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। मेरे को एक बंदे ने बोला सर आप यूट्यूब से हो, मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा परेशान हो जाओगे, गर्मी बहुत है। और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपको क्या ही क्रोकोडाइल दिखेगा, क्रोकोडाइल तो वैसे भी यार सर्दियों में आते हैं बाहर, अभी तो कोई भी दिखेगा नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि जब यहाँ तक आया ही हूँ तो आपको दिखा भी देता हूँ वो पॉइंट, अगर आप विंटर्स में आने का प्लान कर रहे हो तो आप आ सकते हो। चलो मैं आपको ट्रेल दिखाता हूँ जो ये क्रोकोडाइल पॉइंट तक जा रहा है ना, वो रास्ता दिखाता हूँ। चीयर्स! लगता है भाई फॉलो करता है मेरे को, मिल गया सब्सक्राइबर एक। एक भी क्रोकोडाइल देखने को मिला नहीं यार। उन्होंने सही बोला था जिन्होंने मेरे को बोला था ना कि इस टाइम पे आप जा रहे हो यार, गर्मी इतनी है कोई भी क्रोकोडाइल वैसे भी दिखने नहीं वाला। तो खैर अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो फिर आप विंटर्स में आओ, इज़ व्हाट आई सजेस्ट, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे जो गर्मी होगी आप आराम से यहाँ पे आके इन्जॉय कर सकते हो इस ट्रेल को, इस वॉक को, और होपफुली आपको क्रोकोडाइल्स भी मिल सकते हो उस टाइम पे। एंड यू कैन यू नो लुक एट देम क्लोजली। तो होपफुली मेरे चैनल के थ्रू आपको ये जो मैंने ये जगह दिखाया है आपको पसंद आया होगा, और अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का तो विंटर्स के टाइम पे ज़रूर आना। और रूट भी आपको पता चली गया होगा कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से आने का प्लान कर रहे हो तो आपको कैसे आना है, कौन सा रूट लेना है, कौन सा रूट नहीं लेना। एंड होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये जगह जो कि अनटच्ड है, बहुत ही नेचुरल है, ग्रीन है, आपको पसंद आया होगा और आपने इन्जॉय करा होगा। तो चलो, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच क्रेजी एंड अमेजिंग अपडेट गाइज। And if you are already subscribed, please share it to your near and dear ones. Till then, cheers!